बयान दिया है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग पर ये बड़ा बयान, कहा कि उनका नाम अतिथि है और अगर वो मेहमान बनकर आएंगे तो क्या हमारे घर पर कब्जा करेंगे। उनकी माने तो वेतन देने के लिए वित्तीय प्रावधानों का प्रयोजन करना पड़ता है। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? कि उन नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? कि उन नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे? किसने अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के उन नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो दो तीन विषय हैं महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल गए यहाँ पर मंत्री जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से पिछले दिनों अतिथि शिक्षक आंदोलन की राह पर थे उस दौरान भी जो है शिक्षा मंत्री से उन लोगों की बातचीत हुई तो बातचीत के बाद वो आंदोलन शांत हो गया था, लेकिन जिस तरीके से आज जब मीडिया ने सवाल पूछा अतिथि शिक्षकों को लेकर तो सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि अतिथि उनके नाम में ही अतिथि है तो ऐसे में वो घर पर कब्जा थोड़े ही कर सकते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि मध्यप्रदेश में फिलहाल सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित करने नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं मध्यप्रदेश के 50,000 के आसपास जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए झटका कही जा सकता है, क्योंकि लगभग कहीं ना कहीं वो ये मान रहे थे कि आने वाले समय में सरकार जो मध्य प्रदेश में 50,000 से अधिक जो नियमित शिक्षकों के पद खाली है उन पर भर्ती होनी है तो उनमें कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों को स्थान मिल सकता है। जी बिल्कुल, लौटेंगे शैलेंद्र आपके साथ, इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो, लेकिन अब इस बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। जीतू पटवारी ने क्या कहा है वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। माफी मांगनी चाहिए और कब्जा क्या होता है, आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, अगर सेवाएं लेना आप चाहते हो और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री मतलब सरकार का एक नुमाइंदा, यानी सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है एक मंत्री का वक्तव्य, ये क्या प्रदेश बना रहे हैं आप लोग। मैं मानता हूँ शिक्षा मंत्री को शिक्षकों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये तो जीतू पटवारी यहां पर हमलावर हैं राव उदय प्रताप सिंह के इस बयान के बाद और कह रहे हैं कि ये जो बयान मंत्री का है वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, ऐसे में क्या सरकार का ये बयान है। वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इन्हें परमानेंट करने का आश्वासन दिया था लेकिन इनके साथ धोखा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी ने चुनाव के पहले ही कहा था कि इन सबको हम रेगुलर करेंगे, लेकिन अब मंत्री जी कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कि आप अतिथि हो, अतिथि की तरह आओ, घर पे कब्जा मत करो, मतलब ये तय है कि इनका नियमितीकरण नहीं करेंगे। इनको साथ चुनाव के पहले धोखा हुआ है और धोखा देके इनके वोट लेने का प्रयास किया है। तो अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है राव उदय प्रताप सिंह के इस बयान पर और हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। राजपाल सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मृणाल पंत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए ही हैं। राजपाल जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूं। एक तरफ आपकी सरकार कदम बढ़ाती है गेस्ट टीचर्स के साथ बातचीत करने के लिए ताकि एक समाधान निकाला जा सके और दूसरी तरफ आपके स्कूल शिक्षा मंत्री का ये बयान। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव से कर्मचारियों की हित की सरकार रही। हमारी सरकार के पिछले अगर आप सारे निर्णय देखेंगे तो निर्णयों में कहीं न कहीं कर्मचारियों की हित के निर्णय लेने का काम हमने किया है।
ये अतिथि शिक्षकों की बात है तो अतिथि शिक्षकों के लिए भी हमारी सरकार ने उनकी अधिकांश बातें मानते हुए नियमानुसार जो हो सकता है वो करने का काम किया है। निश्चित तौर पर उनके नियमितीकरण की एक मांग लंबे समय से उठती चली आ रही है। नियमितीकरण की कई सारी कानूनी पेचीदगियां है, कई सारी जो प्रक्रियात्मक जो है व्यवस्थाएं होती है। मैं समझता हूं कि दोनों बातें अपनी जगह है। अतिथि शिक्षक जब भर्ती होते हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में जब वो पढ़ाने आते हैं तो उनका अपना एक नियम कानून के तहत आते हैं और उन्हें आभास होता है, उन्हें ये ज्ञान होता है कि उनको जिस समय में अतिथि शिक्षक के रूप में वो विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम शुरू करते हैं तब उनको क्या क्या राइट्स प्राप्त है। परंतु काम करते करते उनको कहीं ना कहीं नैतिक और मौलिक रूप से भी इस बात का अधिकार हो जाता है कि वो सरकार से अपनी मांग रखे। सरकार के साथ उन्होंने भिन्न भिन्न समय पर मांग रखी और उसमें एक बड़ी मांग उनकी है कि हमको नियमित किया जाए। अब अस्थायी पद के लिए किसी की भर्ती होती है और वो नियमित की मांग जब करता है तो निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं प्रक्रिया की और कई सारी संवैधानिक ठीक है प्रक्रिया और नियमों का हवाला आप दे रहे हैं वो सही बात है लेकिन सारी चीजें ठीक है राजपाल जी, प्रक्रिया और नियमों का हवाला आप दे रहे हैं वो ठीक है, वो आपके सर पर सही हो सकता है, लेकिन इस तरह से कब्जा करने की बात कहना, वो भी एक मंत्री के मुंह से इस तरह का बयान जब निकलता है तो जाहिर तौर पर उस पर अब आपको विरोध का सामना भी करना पड़ेगा और सियासी आरोप भी झेलने ही पड़ेंगे। लेकिन मैं आपके पास लौटूंगी, मृणाल पंत जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। मृणाल पंत जी, यहां पर सरकार कह रही है नियम पहले से ही क्लियर है, तमाम प्रावधान होते हैं, उनके मद्देनजर ही प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ा जाता है, फिर धोखा कैसे है ये? सबसे पहली बात, शिक्षकों के ऊपर मध्य प्रदेश का और बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है। जो भविष्य के मध्य प्रदेश की नींव तैयार करने वाले हैं उनका इस तरह का अपमान करना प्रदेश की सरकार और सत्ताधारी दल के मंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शिक्षक बेहद ही सम्माननीय काम करते हैं, हमारे संस्कृति में गुरु को ईश्वर के समतुल्य बल्कि ईश्वर से भी पहले माना गया है, तो इस तरह से भाषण के माध्यम से, कर्म के माध्यम से और अपने निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनका निरंतर अपमान करती है, ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी, इसको सहन नहीं करेगी। दूसरी बात, अतिथि शिक्षकों से वादा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि उन्हें नियमित करेंगे, जब चुनाव आए तब वोट लेने के लिए जिस तरह से किसानों को झूठ बोला, जिस तरह से नौजवानों को झूठ बोला, उसी तरह से अतिथि शिक्षकों को प्रलोभन दिया कि चुनाव के बाद आपको अब नियमित किया जाएगा, वोट ले लिए और अब जब सरकार बन गई तो मुख्यमंत्री बदलने के नाम पे अपने पुराने वादों से मुकर गए। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र रहा है, झूठ बोलकर लोगों को सत्ता में बैठने के लिए एक बार अपना काम होने के बाद उनको ठगना इनकी प्रवृत्ति रही है। अतिथि शिक्षकों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी यही हरकत वापस कर रही है।